पर हाजिर हैं उसी कार्यक्रम में वृंदावन स्टैंड बी में जो स्वच्छता स्वच्छ के तहत एक कार्यक्रम चल रहा है उस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। अभी कुछ देर पहले कुछ राजनीतिक व्यक्ति और आए थे यहाँ पर, एक और उपस्थित हुए हैं। वोट और चुनाव का दौर चल रहा है, मौसम बिल्कुल चुनाव का है, तो चुनावी मौसम में तो निश्चित रूप से आना जाना लगा रहेगा। आप आएंगे वोट मांगे वो चलेगा। हमारे जो उपस्थित है अनार, चूंकि इनका नाम आप सभी अच्छी तरह जानते हैं अन्नू, और इससे पहले चूंकि पूर्व पार्षद के रूप में निवर्तमान पार्षद रूप में आपकी पत्नी जी थी, आप समाजवादी पार्टी के बहुत पुराने कार्यकर्ताओं में से एक हैं। हम बातचीत करेंगे अनार जी से, आखिर क्या किन मुद्दों के साथ आप चुनाव में उतरे, कौन कौन से मुद्दे मुख्य होंगे आपके? मेन मुद्दा हमारा ये बिजली, ये सड़क, सीवर सड़क और सुरक्षा। पीछे आपकी सरकार थी अन्नू जी, और पीछे आपकी पत्नी पार्षद रही है। निवर्तमान पार्षद के पद पर या पार्षद के पद पर आश्रित होते हुए काम नहीं कराए क्या, जो आज भी आपको सिर्फ यही कहना पड़ रहा है कि बिजली पानी और सड़कों पर और सुरक्षा पर काम करेंगे? इसका मतलब जो पीछे का कार्यकाल रहा है उसमें आपको बेसंदेह है अन्नू जी। अगर संदेह ना होता तो ये उत्तर ना होता, उत्तर है इसका मतलब संदेह है। विकास कार्यों में अवरोध नजर आ रहा है आपकी भाषा से। खैर ये तो समय बताएगा, लेकिन आगे देखिए अन्नू जी ने क्या कहा आगे के भविष्य पर। पार्षद थे आप, बिजली सड़क ठीक नहीं कर पाए? नहीं, हमने आपकी सरकार थी राज्य में, आपकी सरकार थी, आप पार्षद थी, आपकी पत्नी, उसके बावजूद आप ठीक नहीं कर पाए। अभी भी आशाएं दे रहे हैं कि सड़क ठीक कराएंगे, बिजली ठीक कराएंगे। देखिए 20 सालों से यहाँ पर जो भी पार्षद रहा उसने कोई भी विकास कार्य यहाँ पे नहीं कराया। जब 2012 में मेरी पत्नी जब यहाँ से पार्षद बनी, जो हमारे यहाँ ग्रामीण क्षेत्र के जो हमारे यहाँ गांव थे, मान बरौली था, चिरैया बाग, उतरठिया, पिपरी खेड़ा, पंचम खेड़ा, इन सब में सीसी रोड, इंटरलॉकिंग सीवर लाइन हम लोगों ने ग्रामीण स्तर के सारे गांव में हमने कार्य कराया। आवास विकास परिषद की जो भी छोटी कॉलोनियां थी, सेक्टर 1B, सेक्टर 4C, सेक्टर 7C, इनमें सब में खड़ंजा लगा हुआ था। इसमें हमने सब में सीसी रोड आवास विकास परिषद से लड़ाई लड़कर हमने करवाया। आवास विकास योजना सेक्टर 9, 10, 8, 10, ये सब हमारी अभी हैंड ओवर नगर निगम को नहीं है, फिर भी हम लोग लगातार संपर्क करते हुए आवास विकास से मुख्य अभियंता सबसे मिलकर हम लोग ने जो प्रयास हुआ हम लोगों ने यहाँ पे कार्य कराया। हैंड पंप हमने लगवाए, हमने कई मतलब जितने भी सेक्टर है हम काफी हमने हैंड पंप लगवाए। जो इंडिया मार्क का हैंड पंप आवास विकास नहीं लगा रहा था, हमने उसको लड़ झगड़ के लगवाया। हमने काफी पार्कों में हमने हैंड पंप भी लगवाया। 5 वर्ष के बाद यदि जनता के बीच जब जाओ तो निश्चित रूप से उनके तरफ से नकारात्मक और सकारात्मक बातें आती हैं। यहाँ कुछ महिलाएं उपस्थित हैं, महिलाएं आपसे सवाल कर रही थी, एक महिला तो महिलाएं यहाँ पर उपस्थित हैं। आपको लगता है कि अनार जी और अनार जी की पत्नी चूंकि पहले पार्षद थी, इससे पहले भी आई है यहाँ पर? हमारी जानकारी में तो कहाँ आई है। गाँव में वादे बहुत होते हैं लेकिन काम ना हो और उपस्थित ना हो जनता के बीच तो क्या बीतती है जनता पर, ये भी सुनिए। अगर जनता के सामने और जनता प्रतिनिधि के सामने ये बात कह दे कि आप उपस्थित नहीं हुए 5 साल, तो ये बड़ी बात है। इसका मतलब कहीं ना कहीं आप उपस्थित नहीं थे अन्नू जी, या आपकी पत्नी भी उपस्थित नहीं थी। सुनिए आगे वीना मिश्रा ने आखिर क्या कहा। आपके हिसाब से क्या इससे पहले पार्षद थी, समस्याएं सुनने के लिए, समस्याएं जानने के लिए इससे पहले भी यहाँ उपस्थित हुए थे? भैया हमारे जानकारी में तो नहीं आई। एक पार्षद निवर्तमान पार्षद के प्रतिनिधि के सामने सेक्टर 10B की ये महिला वीना मिश्रा क्या कह रही है। इन्होंने कहा कि समस्या सुनने भी पहले पार्षद महोदया जी आई नहीं, न इनके पति आए। आज वोट मांगने तो आ गए हैं लेकिन साफ सवाल और साफ उत्तर कि उपस्थित नहीं हुए कभी समस्या को देखने। कभी समझ, चूंकि अभी थोड़ी देर पहले चर्चा चल रही थी कि यहाँ पर स्वच्छता के लिए सफाई कर्मी मंगाए जाते हैं पैसों को देकर, क्या कभी अनार जी या उनकी पत्नी ने कभी स्वच्छ सफाई कर्मी यहाँ नहीं भेजे? कभी नहीं भैया, ऐसा कभी हुआ नहीं, नो कभी आई है। एक और बयान अन्नू जी आपके सामने ही कह रही हैं वीना मिश्रा जी, न कभी आई है और न कभी ऐसा हुआ है, यानी सफाई कर्मी यहाँ नहीं भेजे गए, कभी सफाई कर्मी यहाँ पर नहीं भेजे गए। वोट तो है लेकिन वो किसको, वो समय बताया क्योंकि सफाई कर्मी यहाँ तो अन्नू जी आपके माध्यम से। अब ये अनार जी देखिए आपके सामने ही उत्तर है जी, अब आपके सामने ही सवाल है और सवाल के साथ उत्तर।
उत्तर भी है, उत्तर भी हाँ, क्या सवाल है? ऐसा है, नगर निगम को हैंड ओवर ये कॉलोनी अभी नहीं हुई थी। जब मैं कहीं भी वहाँ पर कहता था तो वो लोग हैंड, क्योंकि इसका डबल इसका मेंटेनेंस करने का कार्य आवास विकास परिषद का था। आवास विकास परिषद में हमने पत्राचार किया, बहुत कुछ किया। जब उनको कंप्लेन करो, यहाँ पर इंजीनियर ये सब लोग घपलेबाजी करके मेंटेनेंस का पैसा निकाल लेते हैं। लगातार हमने पत्र चिट्ठी लिखे, जहाँ पे दबाव बनाया वहाँ पे काम हुआ। और ये नगर निगम को हैंडओवर आज भी ये कॉलोनी नहीं हो पाई है अभी तक, लेकिन अब चल रहा है प्रयास कि जल्दी से जल्दी ये हैंडओवर कॉलोनी नगर निगम को हो जाएगी। जब नगर निगम को हैंडओवर हो जाएगी तो हमारा भी दबाव नगर निगम पर, ठेकेदार जो यहाँ सफाई ठेकेदार होता है उस पर हम भी दबाव बना सकते हैं। ऐसे हम दबाव नहीं बना पा रहे थे। अच्छा अनर जी, एक और बात, आप चूंकि मान लिया नवेश जी जीत जाते हैं, पार्षद बन जाते हैं, जब भी पार्षद बन जाएंगे तो आप ही कठपुतली की तरह चाहेंगे या खुद भी ये काम करेंगे? देखिए, हम लोग समाजवादी कार्यकर्ता हैं, हम कोई कठपुतली नहीं, ये स्वयं जानकार हैं, पढ़े लिखे हैं, और हमारा लोग काम है कि अपने पार्टी के को जिताएं और काम कराएं। काम कराने लिए भाई पिंकू भाई है, नरेंद्र भाई है, सब लोग, हम अकेले नहीं है, हम भी एक कार्यकर्ता हैं। हमारी पत्नी पार्षद थी, हम कार्यकर्ता हैं, समाजवादी कार्यकर्ता है, समाजवादी प्रत्याशी को जिताएंगे और समाज के सभी वर्गों को लेकर हम लोग चलने का प्रयास कर रहे हैं और करेंगे, और आगे जो भी विकास है उसको बढ़ाने का काम करेंगे। रमेश जी यहाँ पर उपस्थित है हमारे साथ, रमेश जी यहाँ पर उपस्थित है जो पार्षद प्रत्याशी है, आइए हम उनसे ही बात करते हैं, दो सवाल उनसे भी हो जाए चूंकि प्रतिनिधि बनने की दौड़ में है। रमेश जी, विकास का वादा कितना है आपकी तरफ से? हमारा समाजवादी पार्टी से जो प्रत्याशी मैं हूँ, जो सुनीता यादव जी मेरी पार्षद रही हैं, जो उनके अधूरे काम है मैं सारे पूरे करवाऊंगा। बिजली, पानी, सड़क, जो भी अधूरा है वो पूरा करवाऊंगा। चलिए, बात तो लगभग वादे के रूप में आ गई। अब स्वच्छता पर एक प्रश्न और बनता है अनार जी से, क्योंकि स्वच्छता का शब्द ही कहीं और हाईजैक सा लगता है, लेकिन अगर धरातल पर सब लोग मिलकर करेंगे तो उस पर क्या विचारधारा रखते हैं स्वच्छ भारत पर, आखिर इस पर भी क्या विचार है उस पर हम बात कर लेते हैं। अनार जी, क्या लगता है, स्वच्छ भारत चला था केंद्र से, धरातल पर अभी उतरा नहीं ठीक से, क्या लगता है आपको इस तरह से जो आप आज भी सोच चुके एक स्वच्छता कार्यक्रम में उसमें आप उपस्थित हुए, यहाँ के लोगों का कहना है सफाई कर्मी यहाँ उपस्थित नहीं होते हैं, यानी स्वच्छ भारत धरातल पर है नहीं, हवा में है, इस पर आपके तर्क क्या है? क्या लगता है ऐसे सफाई कर्मी ऐसे एक डेली मालिया ऐसे सफाई स्वच्छता अभियान चले तो उससे स्वच्छ हो जाएगा भारत? देखिए, जो ये स्वच्छता अभियान प्रधानमंत्री ने चलाया, इस स्वच्छता अभियान को हम लोग स्वागत करते हैं, लेकिन इसको करने के लिए यहाँ पे मोहल्ले वाले आज निकल गए हैं, छुट्टी है, लोग सब लोग कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जब ये कॉलोनी के जो कर्मचारी अधिकारी हैं उनके ऊपर दबाव क्यों नहीं बनाया जा रहा? मान लीजिए यहाँ पे हमारी मंत्री जी हैं, उनको भी तो देखना चाहिए कि हाँ, हमारे यहाँ आवास विकास परिषद के इंजीनियर यहाँ पे ये धांधली हो रही है, स्वच्छता के नाम पर यहाँ धांधली हो रही है। नगर निगम के एरिया जितना भी वहाँ पे हम लोग सफाई कर्मचारी जाते हैं, निगरानी करते हैं, यहाँ पे कोई निगरानी नहीं, कोई भी उसका वो जो कोई आवाज उठाता है वो वहाँ के जाके चिट्ठी दब जाती है। तो इस पे जो है सफाई तो अब मोहल्ले वालों की मजबूरी है, क्या करें, सफाई नहीं करेंगे तो क्या करें, अपने अपना घर साफ कर रहे, अपनी रोड भी साफ कर रहे हैं, लेकिन इस तरह से जो ये कार्य चल रहा है इसको धरातल पर कभी नहीं उतरेगा, कभी कामयाब भी नहीं होगा। नहीं, क्या लगता है केंद्र में नहीं है, प्रदेश में नहीं है, लगभग प्रदेश में भी जा चुकी है सरकार आपकी, आपका मेयर प्रत्याशी बनेगा तो क्या निश्चित रूप से वो विकास करा पाएगा जिस तरीके से, चूंकि आप तो कह रहे हैं दबाई जाती हैं फाइलें और कागज दबाए जाते हैं तो उस समय दबा दी जाएंगी अकाकू जी की फाइलें, क्या लगता है हो पाएगा जोश के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ संघर्ष करेंगे? देखिए, हम लोग यहाँ के बारे में नस-नस से जान गए हैं, आवास विकास, मैं अपने क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, मुझे इस क्षेत्र के बारे में पूरा नॉलेज है और यहाँ के कर्मचारी और यहाँ के अधिकारियों के बारे में भी मेरा नॉलेज है। हम लोग आंदोलनकारी हैं, आंदोलन करेंगे, मालूम है कैसे यहाँ से काम कराया जाता है, काम कराने के लिए अगर अपने को जानकारी है तो काम करा सकते हैं, नहीं जानकारी तो काम नहीं करा सकते। जी बिल्कुल, आंदोलनकारी हैं, आंदोलन कर देंगे अगर कायम नहीं हुआ धरातल पर। आज के लिए इतना ही, निश्चित रूप से जिस तरह से अब तक चलता आ रहा है और इस तरह से चल रहा है उस पर कुछ कार्रवाई तो होनी चाहिए, सत्ता हो ना हो लेकिन काम कराने की चेष्टा अगर किसी व्यक्ति के अंदर तीव्र है तो निश्चित रूप से वो काम करा सकता है। अनार सिंह अन्नू की बातचीत से लग रहा है कि निश्चित रूप से परिवर्तन होगा, खैर ये समय बताएगा। कैमरा मैन उदय कुमार के साथ सचिन दीक्षित, एंटी करप्शन न्यूज़।